जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप खनियारा में सितंबर माह के शुरुआत में भारी बारिश से हुई त्रासदी के पीड़ित परिवारों ने पुनर्वास की मांग उठाई है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रभावित परिवार आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रोफेसर कुलवंत राणा के नेतृत्व में डीसी कांगड़ा से मिलने पहुंचे थे। प्रभावितों ने कहा कि अभी तक केवल 3 व्यक्तियों को ही राहत दी गई थी, इसके अलावा प्रशासन की ओर से प्रतिबद्ध किसी विशेषज्ञ द्वारा कोई अनुमान नहीं लगाया गया था। यहां तक कि छोटे पुलों के नीचे का मलबा भी आज तक साफ नहीं किया गया है और जो बाढ़ की स्थिति में आसपास की आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। विभिन्न खतरनाक क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल बनाने का कोई अनुमान नहीं लगाया गया। इस घुरलू नाले की गहराई को अभी पहले के स्तर तक साफ नहीं किया जा सका है। इस बाढ़ से लगातार 40 परिवार प्रभावित हुए और 3 परिवारों की रोजी रोटी छिन चुकी है क्योंकि उनकी दुकानें बह गई हैं। पिछले दिनों अभूतपूर्व फ्लड आया और उसमें इनकी बहुत सारी दुकानें घर बह गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दौरा किया कि क्या नाम इनको कुछ राहत देने का वादा भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 ही आदमियों को 5,000 रुपये मिला। तो आज हम डीसी साहब से मिलने आए थे कि जी जो राहत पैकेज आपने अनाउंस किया वो नहीं मिला है और जितने काम होने चाहिए, रिटेनिंग वॉल लगनी चाहिए थी और नीचे क्लियरेंस होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। तो उन मुद्दों को लेकर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आए थे कि भाई अभी ये समस्या खत्म नहीं हुई है और दोबारा भी डेंजर है। अगर मान लिया नीचे पत्थर फंसे हुए नाले के नीचे, अगर दोबारा पानी आ गया तो दोबारा फिर गाँव में पानी घुस जाएगा और इन लोगों को नींद नहीं आ रही है उस वजह से, डर के मारे। जैसे आपने बताया कि 3 ही प्रभावितों को अभी तक जो है सिर्फ 5,000 का मुआवजा मिला। हाँ जी, कितने कुल प्रभावित हैं और प्रशासन से क्या डिमांड आपके द्वारा की? इसमें लगभग 40 परिवार जो हैं वो अफेक्टेड हैं इसमें से, और हम ये कह रहे हैं कि कोई एस्टीमेट बनाया जाए, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए कि किसका कितना, मान लीजिए किसी का घर ही ढह गया, अब वो बेचारा किराए के मकान पर रह रहा है, अब कितने दिन किराए पर मकान पर रह रहा है, तो उसके कुछ राहत दी जाए, या जिसकी दुकान बह गई है, जिसका रोटी रोजी का कोई साधन नहीं, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज किया जाए ताकि उनकी रोटी रोजी जो दोबारा, कहीं अल्टरनेट दुकानें बनाई जाए, कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाए ताकि उनकी रोटी रोजी दोबारा चल पड़े। करीबन 10 से 12 दिन का समय जो है उस त्रासदी को बीत चुका है। हाँ जी, हाँ जी, प्रशासन की ओर से आप जैसे आपने बताया कि 3 ही लोगों को जो है 5,000 रुपये की राहत दी गई है। हाँ जी, तो कोई अल्टीमेटम भी प्रशासन को? हमने कहा कि भाई तुरंत दी जाए, तो कह रहे हैं कि एसडीएम मैडम को उन्होंने मार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आज ही एक्शन ले रही हूँ और जिसको नहीं मिली है उसका अकाउंट नंबर मांगे उनसे। तो मैंने कहा अकाउंट नंबर इनके हम दे देते हैं, बैंक डिटेल्स दे देते हैं और आधार कार्ड दे देते हैं और क्या नाम आपको अभी क्या नाम इससे क्या नाम सारी इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन पहुंची तो वो आज तक शाम तक हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे और ताकि इनको जो है वो इनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जा सके। पुनर्वास के लिए भी कोई मांग उठाई गई? हाँ, पुनर्वास के लिए भी, कि जिन लोगों के 3-4 लोगों के घर पूरी तरह डैमेज हो गए हैं, तो हमने कहा कि उनके लिए कोई साइट ढूंढी जाए और उनको क्या नाम प्रेफरेंस बेस के ऊपर वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें वो रह सकें या कोई क्या नाम उनके रहने का इंतजाम किया जाए।